जी हाँ दोस्तों, पोको X2 या फिर Redmi Note 8 Pro, भाई दोनों ही फोन्स में डिफरेंस सिर्फ 1000 रुपए का है। और यहाँ पे आपके लिए कौन सा बना है, आइए पता लगाते हैं इस वीडियो में। वैसे दोस्तों एक बात बता दूं कि अब ये दोनों ब्रांड्स है ना थोड़े डिफरेंट हैं, तो भाई जो मुकाबला होगा ना वो मजेदार होने वाला है। तो आइए पता लगाते हैं, शुरू करते हैं हम टेक की बात, गाइडिंग टेक यानी GT हिंदी के साथ। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं दोनों ही फोन्स के डिजाइन से, एंड गोरिल्ला ग्लास 5, P2i कोटिंग, ग्लास बैक, ये चीजें तो दोस्तों आपको दोनों डिवाइसेस में मिलती हैं। लेकिन डिफरेंसेस क्या क्या है पहले उस पर पता लगाते हैं। अब आपको दोस्तों 2+1 सिम कार्ड का स्लॉट मिलता है Redmi Note 8 Pro में। तो वहां पे क्या है कि आपको भाई अगर आप 64GB में भी जा रहे हो तो आप मेमोरी कार्ड खरीद के लगा सकते हो, दो सिम कार्ड साथ में यूज कर सकते हो। अब आपको हाइब्रिड सिम कार्ड का स्लॉट मिलता है पोको में, तो वहां पे दोस्तों आपको या तो एक सिम कार्ड या फिर एक मेमोरी कार्ड से जाना पड़ेगा या फिर दो सिम कार्ड। मतलब ऐसा है कि भाई आपके पास दो सिम कार्ड और मेमोरी कार्ड का ऑप्शन नहीं है। बट पोको में दोस्तों एक ऑप्शन क्या बढ़िया है कि आप 256GB तक का वेरिएंट खरीद सकते हैं, बट Redmi Note 8 Pro में दोस्तों वो है 128GB तक का ही। तो वो एडवांटेज ऑफ कोर्स पोको में है। और ये डिज़ाइन की बात नहीं है तो आगे हार्डवेयर सेक्शन में आता है, लेकिन अगर डिज़ाइन में फिर से आए हम तो आपको दोस्तों यहाँ पे जो फॉर्म फैक्टर है वो पोको का थोड़ा सा बड़ा मिलता है। उसका डिस्प्ले साइज बढ़िया है, बड़ा है एक्चुअली, और मेरे लिए बेटर है ऑफकोर्स। एंड वहाँ पे देख लो, अगर आप फोन को 100 यूसेज के लिए सोच रहे हो कि भाई इस फोन को मैं एक हाथ से यूज कर लूंगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। अच्छा खासा बड़ा डिवाइस है। वहीं दोस्तों Redmi Note 8 Pro को शायद आप यूज कर पाओगे 100 यूसेज में, बट मेरे लिए तो दोस्तों वो भी एक फीजेबल ऑप्शन नहीं है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों जहां पे मैं बताना चाहता हूं कि वो जो फिंगरप्रिंट सेंसर है Redmi Note 8 Pro का, उसका मैं बहुत बड़ा फैन नहीं हूं पर्सनली। मुझे वो एकदम भी अच्छा डिजाइन नहीं लगता है, एंड ये मैंने अपने रिव्यू में भी बोल रखा है, कंपैरिजंस में भी बोल रखा है। तो Redmi Note 8 Pro का दोस्तों जो फिंगरप्रिंट सेंसर है बाहर निकला हुआ है और बहुत ही ज्यादा शार्प है। तो जब मैं उसको यूज करता हूं तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि भाई किसी दिन तो पेपर कट होने वाला है, एंड लिटरली हुआ भी है। लेकिन दोस्तों जो पोको का कैमरा कटआउट है वहां पे वो बढ़िया लगा मुझे डिजाइन ओवरऑल। एंड उसी के साथ साथ वहां पे आपको जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो बैक पैनल पे नहीं मिलता है, बल्कि आपको जो पावर बटन है वहां पे जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो मिल जाता है। एंड मेरे हिसाब से दोस्तों वो मुझे ज्यादा बेटर लगता है। ऑफकोर्स इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर हमेशा बेटर है, अगर आप टेबल से अगर उसको यूज करना चाहते हो आपको फोन लिफ्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप दोस्तों पोको को भी बिना लिफ्ट करे अनलॉक कर सकते हो, एंड ऑफकोर्स फेस अनलॉक तो है ही, तो वो भी इतना ज़्यादा यूजफुल के सिनेरियो लगा नहीं। बट ओवरऑल दोस्तों डिज़ाइन वाइज मुझे पोको थोड़ा सा बेटर लगा, थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रीमलाइन लगा। अब दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में, बिकॉज वो भी डिज़ाइन के आसपास का ही सेगमेंट है। तो आपको डिफरेंट तरीके के नॉचेस मिलते हैं दोनों ही फोन्स में। Redmi Note 8 Pro में दोस्तों सेंटर टीयर ड्रॉप नॉच है, और वहीं आपको पोको X2 में राइट हैंड साइड दो कैमरा कटआउट वाला नॉच देखने को मिल जाता है। अब इन दोनों में दोस्तों ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, और आप खुद अपने लिए फैसला ले सकते हो कि भाई कौन सा नॉच आपके लिए बेटर है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछो तो मुझे वो डुअल पंच होल कैमरा या फिर जो राइट हैंड साइड का जो पंच होल कैमरा है वो ज़्यादा बेटर लगता है। बिकॉज अगर आप फोन को एक ओरिएंटेशन में होल्ड करो तो वहाँ पे गेम वगैरह में वो पंच होल हाइड कर सकते हो, और ऐसा लगता है कि भाई एक सीमलेस बिना नॉच का स्क्रीन है। ऑफकोर्स वॉलपेपर अगर आप ढंग के लगाओ या कुछ अच्छे से लगाओ तो आप उस नॉच को हाइड भी कर सकते हो। एंड उसी के साथ साथ दोस्तों वहाँ पे जो वीडियो है ना उसका थोड़ा सा ही रियल एस्टेट जाता है, तो मेरे लिए वो पोको X2 का नॉच थोड़ा ज़्यादा बेटर लगा मुझे। दोस्तों डिस्प्ले साइज की बात करें तो वो ज़्यादा यहाँ पे फर्क है नहीं, 6.53 वर्सेस 6.67 ठीक है। एंड अगर आप देख लो LCD स्क्रीन है दोनों ही में, लेकिन एक बहुत बड़ा फर्क दोस्तों यहाँ पे है रिफ्रेश रेट का। तो Redmi Note 8 Pro दोस्तों उसका रिफ्रेश रेट है 60 Hz, बट आपको पोको X2 में 120 Hz का रिफ्रेश रेट मिलता है। ऑफकोर्स 60 और 120 Hz आप चूज कर सकते हो, तो 120 Hz बहुत ज़्यादा फ्लूइड है अगर आप 60 Hz से कंपेयर करो। और ये जो दोस्तों फ्लूडिटी है ना वो ओवरऑल जो यूसेज है जो एक्सपीरियंस है उसको थोड़ा और फास्ट बनाती है, और ऐसा लगता है कि देखो फोन ज़्यादा फास्ट है। स्क्रीन रिस्पॉन्स टाइम जो गेमिंग वगैरह है उसमें भी ज़्यादा बेटर आते हैं। तो ओवरऑल दोस्तों जो डिस्प्ले है उसमें ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अब अगर कलर टोन वगैरह की बात करें तो दोनों ही फोन्स में दोस्तों बहुत ज़्यादा फर्क है, एंड मुझे लगा कि शायद वो डिफरेंट वेंडर्स की वजह से होगा। बिकॉज जो कूल टोन Redmi Note 8 Pro का है वो बहुत ज़्यादा ही कूल है अगर आप पोको X2 से कंपेयर करो, तो वो जो कलर का जो टोनालिटी डिफरेंस है वो आपको इन दोनों डिवाइसेस में मिल जाएगा। लेकिन आप ऑफकोर्स उसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हो थैंक्स टू MIUI, तो वो भी एक ज़्यादा फर्क है नहीं। एंड ब्लैक लेवल्स वगैरह HDR वगैरह दोस्तों आपको यहाँ पे YouTube में तो मिल जाते हैं। एंड उसी के साथ साथ अगर आप Netflix एंड Amazon Prime देखो तो अभी तक Redmi Note 8 Pro का वो रिव्यू जो है
कि आपको Netflix में वाइड वैन L1 नहीं मिलता है, वो सॉल्व नहीं हुआ है। बट आपका दोस्तों जो Netflix है वो वाइड वैन L1 में चलता है Poco X2 में, तो ये भी दोस्तों एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है पोको के पास, जब तक कि Redmi Note 8 Pro का आगे जो अपडेट है Android 10 का वो नहीं आ जाता। वैसे जी हाँ, Android 10 Poco X2 के पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। एंड यहाँ पे दोस्तों जो OS वगैरह है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो Poco F1 जब मैंने यूज़ किया था तो वहाँ पे मैंने देखा था कि भाई डेवलपमेंट बहुत है XDA में और आपको बहुत सारे डिफरेंट रॉम्स वगैरह मिल जाएंगे। एंड इसमें दोस्तों SoC का भी एक बहुत बड़ा हाथ है, तो अगर आपको कस्टम रॉम्स ट्राई करना है, अगर आपको गूगल कैमरा वगैरह चाहिए जो कि बहुत ही बढ़िया पोर्टेबिलिटी के साथ है, तब X2 में आपको दोस्तों ये ऑप्शन मिल जाएंगे। Redmi Note 8 Pro की अगर बात करूँ तो वहाँ पे दोस्तों आपको MIUI 11 मिलता है, लेकिन वो अभी भी Android 9 पे है। एंड जहाँ तक Helio G90T का सवाल है, तो शायद इतना डेवलपमेंट ना हो, इतना डेवलपमेंट XDA में ना देखने को मिले जितना कि दोस्तों आपको Poco X2 में देखने को मिल जाएगा। एक और बात है, Redmi Note 8 Pro में कन्फर्म्ड है कि आपको ऑन द फेस एड्स देखने को मिलेंगे, बट अभी तक दोस्तों जैसा कि Poco की कंपनी ने बोला है कि आपको एड्स नहीं देखने को मिलेंगे Poco X2 में। लेकिन एक बात है, Realme ने भी दोस्तों बोला था कि भाई एड्स नहीं आएंगे, लेकिन उसमें आए हैं, तो यहाँ पे अभी एड्स नहीं है, भविष्य में क्या होगा भाई इसके बारे में नहीं बता सकते हम। अब दोस्तों प्रोसेसिंग पावर की बात करें तो देखो एंटीटू स्कोर वाइज ये जो स्कोर है ना ये चेंज होते रहते हैं। अब चेंज जो नहीं है दोस्तों वो है पबजी का परफॉर्मेंस। तो Helio G90T में आपको दोस्तों हायर ऑप्शंस मिल जाते हैं, आप 60 FPS तक का जो पबजी गेम प्ले है वो खेल सकते हो। अब ये बात नहीं है कि भाई जो स्नैपड्रैगन 730G है वो सपोर्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर आप मैन्युअली अनलॉक करो तो आपको 60 FPS का गेम प्ले मिलता है और वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया चलता है, और बहुत सारे यूट्यूबर्स ने दोस्तों ये कन्फर्म कर रखा है, तो आपको ऑलमोस्ट सेम लेवल का जो गेमिंग परफॉर्मेंस वो मिल जाता है। लेकिन हाँ, फिलहाल दोस्तों पबजी का जो 40 FPS है वो कैप है आपका 730G में, बट वो कैपिंग अभी तक Helio G90T में नहीं है। इसके अलावा ऐप लॉन्च स्पीड वगैरह, ओवरऑल डे टू डे यूसेज में दोनों ही फोन्स में लिटरली ज़्यादा फर्क है नहीं। एंड आप कोई भी प्रोसेसर ले लो, यहाँ पे मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार Poco X2 का प्रोसेसर Redmi Note 8 Pro से बेटर है या फिर Redmi Note 8 Pro का प्रोसेसर Poco X2 से बेटर है। लेकिन एक और बात है कि जब गर्मी आएंगी ना, तब हम भाई इन दोनों डिवाइसेस का हीटिंग टेस्ट वापस से करेंगे कि जब एम्बियंट टेम्परेचर ही 35-40 डिग्री है तब जाकर के इन फोन्स का क्या होगा। तो भाई अगर आप इन सारे वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते हो तो प्लीज लाल सब्सक्राइब का बटन तो जरूर दबा देना और बगल में घंटे का आइकन है ना उस पर भी टैप कर देना। अब दोस्तों बात करते हैं कैमरे के बारे में। एंड कैमरा वाइज दोनों ही फोन्स में 64 मेगापिक्सल कैमरा, राइट, यही सोच रहे होंगे। लेकिन दोस्तों सेंसर्स दोनों के डिफरेंट हैं। अब आपको सोनी का दोस्तों सेंसर मिलता है पोको में, बल्कि सैमसंग का सेंसर मिलता है शाओमी में। तो अगर मैं रियर कैमरा की बात करूं तो पोको की दोस्तों जो फोटोज हैं उसमें मुझे सैचुरेशन थोड़ा ज्यादा लगा, लेकिन क्लैरिटी बहुत सही आई है। एंड HDRs भी दोस्तों यहां पे बेटर है अगर आप Redmi Note 8 Pro से कंपेयर करें। अब Redmi Note 8 Pro में दोस्तों क्लैरिटी है, लेकिन जो शार्पनेस है वो थोड़ा ओवर हो रहा है कहीं ना कहीं। एंड इसके लिए दोस्तों जो डायनेमिक रेंज है उसमें भी कहीं ना कहीं फर्क पड़ जाता है। लेकिन Redmi Note 8 Pro के दोस्तों जो फोटोज़ हैं वो बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट हैं। अगर आप कहीं जा रहे हो तो आपको पता है कि भाई ये इस तरीके की फोटोज़ खींचेगा। लेकिन Poco क्या है कि अभी बहुत नया है, थोड़े अपडेट्स आने दो उसमें, तब जाकर के शायद कैमरा स्टेबल हो जाए, बिकॉज अभी दोस्तों बहुत ज़्यादा डिफरेंसेज हैं, कहीं सैचुरेशन है तो कहीं नहीं है, कहीं डायनेमिक रेंज अच्छी तरह कैप्चर किया है तो कहीं ऑलरेडी मतलब उसने जो डायनेमिक रेंज है उसको एकदम भी नहीं देखा है। तो ये सारी इश्यूज हैं अभी Poco में, लेकिन शायद आगे जाकर के चेंज हो जाए। लेकिन अगर कैमरा की क्लैरिटी की तरफ बताऊं तो भाई मुझे Poco X2 बहुत बेटर लगा। अब अगर सेल्फी की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों थोड़ा वार्म रखा है Xiaomi ने एंड थोड़ा नेचुरल टोन रखा है Poco ने। अब दोनों ही फोन्स में दोस्तों एक डिफरेंस है कि आपको डुअल कैमरे का सेटअप मिल जाता है Poco X2 में, और वो जो सेकेंडरी कैमरा है वो बोला गया है डेप्थ सेंसिंग में काम देता है, लेकिन ऐसा कुछ मुझे देखने को नहीं मिला। लिटरली अगर आप सिंगल कैमरा फोटोज और डुअल कैमरा फोटोज देखो Xiaomi वर्सेस Poco में, आप यही बोलोगे कि भाई वो दूसरा लेंस है ना वो फालतू में दिया है, इसका इतना काम तो मुझे देखने को मिला नहीं। वैसे दोस्तों हमने Xiaomi वर्सेस Poco वर्सेस Realme X2 और Redmi Note 8 Pro का एक डेडिकेटेड कैमरा कंपैरिजन कर रखा है, जहाँ पे सब कुछ बताया भाई वीडियो कैसा है, फोटोज कैसी है, नाइट फोटोज कैसी है, बहुत सारा दोस्तों आपको यहाँ पे डिटेल देखने को मिलेगा, और वो दोस्तों आपको हमारे इंग्लिश चैनल पे मिल जाएगा। तो इस वीडियो के नीचे मैं आपको लिंक दे दूंगा तो आप उसे भी देख सकते हो। अब दोस्तों फेस अनलॉक की बात करूँ, कॉल क्वालिटी, इन सारी चीज़ों की बात करूँ तो वो ऑलमोस्ट मतलब एकदम एक जैसा है एंड ज़्यादा डिफरेंस है नहीं इन दोनों डिवाइसेज में। और डिफरेंस दोस्तों अब नेक्स्ट अगर आप देखो तो वो है बैटरी में। अब देखो 4500 mAh बैटरी दोनों में मिल रही है, लेकिन जो चार्जिंग स्पीड है ना
वो डिफरेंट है। आपको 18 वॉट का इनबॉक्स चार्जर मिल जाता है Redmi Note 8 Pro में, वहीं 27 वॉट का इनबॉक्स चार्जर मिलता है आपको Poco X2 में। एंड अगर आप टोटल चार्जिंग टाइम देख लो तब दोस्तों Poco X2 20 मिनट जल्दी फास्ट करता है, और अगर आपको 60% तक ही फोन चार्ज करना है, जैसे क्विकली अगर आपको फोन चार्ज करना है, तो वहां पे भी दोस्तों Poco विनर है। ऑफकोर्स स्नैपड्रैगन का जो 120 हर्ट्ज का जो ओवरऑल जो ऑप्टिमाइजेशन है वो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, बिकॉज अगर मैं अपने फोन को Poco X2 को 120 हर्ट्ज में रखता हूँ तो बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन होती है, लेकिन 60 हर्ट्ज में दोस्तों ऑलमोस्ट इक्वल है दोनों ही फोन्स, और डिपेंडिंग अपॉन द यूज के सिनेरियो ना थोड़ा बहुत डिफरेंस है। तो अब बैटरी दोस्तों चार्जिंग स्पीड यहाँ पे एक बहुत बड़ा फैक्टर है अगर आप इन दोनों डिवाइसेस को कंपेयर करो तो। तो दोस्तों ये था इन दोनों डिवाइसेस का कंपैरिजन, एंड आई नो अगर मैं चाहता ना तो इस वीडियो को और 10-15-20 मिनट तक बोल सकता था, बिकॉज कितना कुछ है इन दोनों डिवाइसेस के बारे में बात करने के लिए। वैसे अगर आपके मन में कोई सवाल है तो प्लीज वो मुझसे जरूर पूछना। वैसे अगर आप मेरे वर्डिक्ट से जाना चाहते हो तो भाई मुझे Poco X2 सिर्फ 1000 रुपए ज्यादा देकर के थोड़ा बेटर डिवाइस लगा, एंड इसका दोस्तों रीजन है उसका 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले। अब कुछ लोग बोलेंगे कि गिमिक है, लेकिन मुझे दोस्तों डिफरेंस पता चल जाता है। इसी के साथ साथ Poco का जो डिजाइन है वो ज्यादा बेटर लगा मुझे, वो फिंगरप्रिंट सेंसर और जो सीमलेस बैक डिजाइन है इट्स गुड, बड़ा डिस्प्ले मुझे अच्छा लगा। हाँ, वो डुअल कैमरा जो सेल्फी में दिया है वो एक गिमिक है, सिंगल कैमरा देने से भी हो जाता, पर देखो दिया है तो ठीक है, काम चला लेंगे। एनीवेज 1000 रुपए के लिए अगर आप देखो तो भाई Poco X2 है, लेकिन अगर Xiaomi अपने Redmi Note 8 Pro का दाम 1000 रुपए कम कर देती है, अगर 2000 रुपए का डिफरेंस आ जाए, तब देखो Redmi Note 8 Pro 2000 रुपए कम में एक बहुत ही बढ़िया डिवाइस है, एंड आप को चाहे 27 वॉट का चार्जर नहीं मिलता है, 18 वॉट के चार्जर से काम चलाना पड़े, पर इतना डिफरेंस नहीं आता है सच में। 20 मिनट का आएगा डिफरेंस, वो आपने रात को फोन चार्ज में लगाते हैं राइट, चला लोगे काम। तो दोनों ही फोन्स में तब ज्यादा डिफरेंस नहीं है अगर 1000 रुपए का ही प्राइस डिफरेंस है, लेकिन अगर किसी सेल में 2000 रुपए अगर डिफरेंस आ जाए तब दोस्तों आप Redmi Note 8 Pro खरीदने का सोच सकते हो। वैसे क्या आप इस रिव्यू से सहमत रखते हैं, मतलब ये जो कंपैरिजन है आपको अगर पसंद आया तो प्लीज थम्स अप जरूर दीजिएगा। आपके कमेंट का दोस्तों मुझे इंतजार रहता है, बिकॉज वहां पे ना बहुत एकदम मस्ती चलती है कि भाई ये डिवाइस अच्छा है वो डिवाइस अच्छा है ना, तो कमेंट जरूर करिएगा। इस वीडियो को शेयर तो भाई बिल्कुल करना। तो बस आज के वीडियो के लिए इतना ही, और अपने अगले वीडियो में आप सभी से मिलने की आशा रखते हुए गुड बाय।